हेलो दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट पुलकित सिंह राव अपने द्वारा लिखी एक कविता आप सबको सुनाना चाहती हूँ, जो स्पेशली गर्ल्स को डेडिकेटेड है और उन लोगों के लिए चेतावनी है जो नारी को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, जो लड़कियों को महज मनोरंजन का एक साधन समझते हैं। काट दोगे पर मेरे, लेकिन कैसे रोकोगे इस चंचल से मन को जो इन पंछियों के संग उड़ना चाहता है, सपने देखना चाहता है। हाँ, मैं एक लड़की हूँ, लेकिन देती हूँ चुनौती आज तुमको। सब्र रखो मेरे पर काटने वालों, एक दिन मैं उड़ूंगी और तुम बस देखते ही रह जाओगे। क्यों तुम लोग एक लड़की को चूल्हे चौके तक सीमित रखना चाहते हो? क्यों तुम लोग उसे इस दुनिया में आने से पहले खत्म कर देते हो? अरे तुम ही हो ना वो जो इंडिया गेट के बाहर बैठकर दामिनी देश शर्मिंदा है के नारे लगाते हो, मोमबत्तियां जलाते हो, और दूसरी तरफ तुम ही एक लड़की की असमत पर हाथ डालकर उसे तार तार कर देते हो। हाँ, मैं एक लड़की हूँ, पर देती हूँ चुनौती आज तुमको। अगर तुमने अपनी हवस भरी नज़र से देखा भी मुझको, तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुमको। अरे कुछ ही तो आशाएं हैं इस छोटे से मन की, कि उसे भी कुचल देते हो तुम अपने स्वार्थ के लिए। सिर्फ इसीलिए ना, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ? क्या सपने देखने का हक नहीं है मुझको? क्या खुलकर जीने का हक नहीं है मुझको? क्यों गोड़ देते हो गला मेरी जिंदगी का तुम लोग? क्यों बेबस कर देते हो मुझे मरने को? पर अब मैं मरूंगी नहीं, अब मैं लड़ूंगी। हाँ, मैं एक लड़की हूँ, लेकिन देती हूँ चुनौती आज तुमको। अगर मेरे साथ कुछ गलत किया, तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुमको। अरे तुम ही हो ना वो जो संसद में बैठकर दहेज लेन देन को रोकने पर बहस करते हो, और दूसरी तरफ तुम ही अपनी बहू को दहेज के लिए जिंदा जला देते हो। हाँ, मैं एक लड़की हूँ, लेकिन देती हूँ चुनौती आज तुमको। अगर छुआ भी तुमने मुझको, तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुमको। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मेरा गर्ल्स को एक एक मैसेज देना है सबको, कि जितनी भी गर्ल्स हैं, अपने आप को किसी से कम ना समझें। वो भी उतनी ही स्ट्रांग है जितना जितना कि अपने आप को मर्द कहने वाले लोग। इसलिए कभी अपने आप को उनसे कमज़ोर समझकर टकराने से डरे नहीं। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आवाज़ ज़रूर उठाएं।